वेलकम टू नागपुर। हर्षवीर व्यास जी ने महाभारत लिखने की रचना की। भारत का सेंटर पॉइंट यही हुआ कर रहा जब वो अनडिवाइडेड था। हो शाबाश। ये एक श्लोक पठन स्पर्धा में और एक ये क्यूब में और ये सेंटर में पड़ी है जो ये हाँ ये खासदार महोत्सव में चेस में मिली है। अच्छा चेस में मिली है। वेलकम टू नागपुर और मीनल जी के साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ नागपुर को और घुमा रहे हैं मुझे थोड़ा यहाँ पे नागपुर में। तो चलते हैं एक बार एक्सप्लोर करते हैं चल के। वैसे कुछ स्वागत हुआ है के अंदर। अच्छा हम किधर पे आए थोड़ा सा बताओ ना। ये मैडम बताएंगे मेरी नाती का यहाँ पे गैदरिंग है। अच्छा तो नातिन है ना आपकी ग्रैंड डॉटर है मीनल जी की तो वहाँ पर आए हैं तो ये कुछ ऐसे स्वागत हुआ प्रसाद क्या सकते हैं। महत्व बताने वाली हूँ। हमारे लंब लंडन के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने की रचना की पर वो उनके वश की बात नहीं थी तो उन्होंने गणपति जी से आराधना ली और उन्होंने सहमति दी और दिन रात लेखन का लिए प्रारंभ हुआ। गणपति जी तो थकान तो होनी थी, उन्हें पानी पीना भी वर्जित था, उनके शरीर का तापमान न बढ़े। सामने दिख रहा है उसे बोलते हैं दीक्षा भूमि। मीनल जी बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अच्छा तो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा अंबेडकर जी ने यहीं पर ली थी तो उसको स्तूपा बना रहे हैं ना अभी। नहीं वो बन चुका है अंदर। अच्छा ओ अंदर बन चुका है। तो अभी मीनल जी के साथ आ गए 0 माइल फ्रीडम पार्क और खड़े हुए 0 माइल। जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था अनडिवाइडेड था जब पूरा इंडिया तो उसका सेंटर पॉइंट हुआ करता था। ये जो पिलर है उसी का प्रतीक है। आपको मैं एक और दिखाता हूँ चीज। NH7 है कन्याकुमारी यहाँ से 1600 किलोमीटर है और हैदराबाद 485 किलोमीटर। और आप इसकी तरफ से जब घूमोगे 0 माइल से देखिए और वाराणसी यहाँ से 729 और जबलपुर 273। तो आप जब इसके चार और घूमेंगे तो ये देखिए 0 लिखा हुआ है तो इसलिए इसको 0 माइल बोलते हैं। और ये जो पीछे मेरे प्रतीक है जो बिंब है और इसको सेंटर पॉइंट पहले बोला करते थे। भारत का सेंटर पॉइंट यही हुआ करता जब वो अनडिवाइडेड था। भी तो थोड़ा सा खिसक गया अब आगे चला गया। तो आफ्टर डिवीजन के बाद ये सेंटर पॉइंट अलग हो चुका है। पहले ये हुआ करता था। ये 0 माइल सब मेजरमेंट यहाँ से किलोमीटर का यही चारों तरफ हुआ था। तो ये देखिए 0 माइल में भी आ गया मैं घूमते घूमते। तो अभी मैं आ गया हूँ एक खास घर में। मीनल जी के रिश्तेदारों का घर है और ये सामने देखो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं और वो किसे मिले हैं अभी हम मिलवाते हैं आपको। हेलो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनय है। अच्छा और अभी आप क्या क्या मतलब करते हो? मैं क्यों खेलता हूँ चेस खेलता हूँ और श्लोक पठन स्पर्धा के श्लोक बोलता हूँ और स्टोरी टेलिंग करता हूँ।
अच्छा, तो अभी आप क्यूब्स दिखाने वाले हो, कैसे क्यूब्स करते हैं? हाँ। थोड़ा सा बताओ करके। पहले आप स्क्रैम्बल कर दीजिए। अच्छा, स्क्रैम्बल कर रहा हूँ देखो, और ये वो सिंपल वाले नहीं है, ये और डिफिकल्ट वाले हैं। ये तो मेरे से स्क्रैम्बल भी नहीं हो रही, इतना मुश्किल है। ये आप भी करिए, ये तो मेरे से स्क्रैम्बल भी नहीं हो रही। ये तो कितने हार्ड है, ये भी स्क्रैम्बल होता है पूरा, मतलब स्क्रैम्बल ही नहीं हो रहा है, इतना हार्ड है। ये मैंने कर दिया स्क्रैम्बल, ठीक है। ये वाला भी कर देता हूँ। अभी मैंने सारे के सारे स्क्रैम्बल कर दिए हैं, ये देखिए अलग अलग कलर में कर दिए हैं। अभी आप करने वाले हो? चलिए स्टार्ट। ये आपने कब सीखा? ये मैंने मेरे माता के साथ पहले सीखा। अच्छा, और कितने टाइम से आप कर रहे हो, सीख रहे हो इसे? पाँच साल से सीख रहे हो। कितने साल के हो आप? एट ईयर्स का, मतलब 3 ईयर से आप कर रहे हो इसे ना, सीख रहे हो 3 साल से। क्या क्या मिला आपको बताइए? अच्छा, और ये एक ट्रॉफी है। हाँ। और ये भी एक ट्रॉफी स्कूल से मिली। अच्छा, ये किस किस चीज में मिली है? ये एक श्लोक पठन स्पर्धा में। हाँ। और एक ये क्यूब में। क्यूब में, और ये सेंटर में पड़ी है जो ये। हाँ। ये खासदार महोत्सव में चेस में मिली। अच्छा, चेस में मिली है, वाओ। चेस भी खेलते हो? हाँ। गजब। तो देख लो कितने स्पेशल बच्चे से मिले आज हम। तो बहुत टैलेंटेड है, हम तो कभी कर भी नहीं सकते ये सब भाई। बहुत मुश्किल है।